जांजगीर चांपा जिले के हसौद में तहसीलदार के कंप्यूटर ऑपरेटर भीषम कुर्रे पर अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। वाहन जब्त करने की धमकी देकर ऑपरेटर भीषम कुर्रे ने पीड़ित से 16,000 रुपये ऐंठ ली। जानकारी के मुताबिक कोयले के वाहन छाल से रायपुर जा रहे थे, तभी हरेटी खुर्द के पास कोयले के वाहनों को रोक लिया गया और जब पैसों के लेन देन को लेकर नायब तहसीलदार से सवाल किया गया तो उन्होंने जानकारी नहीं देने का हवाला दिया। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर भीषम कुर्रे ने कहा कि उससे तहसीलदार ने बयान देने से मना किया है। तहसीलदार के बारे में, हसौद तहसीलदार के बारे में मतलब हाँचा फोन करी चीनीलाल साहू कि मामा हम लोग को तहसीलदार पूरा परेशान कर रहे हैं, हमारे ट्रक को रोक रहेगा करके। तो तहसीलदार से मैं फोन में बात किया था कि भैया, तो बोले ड्राइवर झूठ बोल रहा है। तो डिलीवरी रायपुर के बता रहे थे, हरियाठी क्यों लेगा का करके बताए और उसको परेशानी मत कीजिए, भाचा गाड़ी का मैं शोरूम बोला हूँ क्या चीज का डिलीवरी था सर? वो कोयला गाड़ी का। एरोकेन फोन करे से कि ट्रक ला मत पकड़े तहसीलदार है कहीं से, तो मैं ओकर संग में आए हाँ और तेकर बाद तहसीलदार है गी से और तो हाँ चलो मेरे साथ मुलाकात करना कहीं से, तेकर बाद वो लड़का मेरे संग में उतार दी से और तो हाँ पैसा मांग करी से। कौन है करी से? वो जी लड़का रही तहसीलदार संग मते कहाँ कहाँ के तहसीलदार हैं? महासाउद साउथ के। मेरे द्वारा कोई कोयला गाड़ी नहीं पकड़ा गया है। और कब की बारे में बात कर रहे हैं? परसों रात की है, आज रात नहीं अगले रात की। परसों रात के डेट में आपके मीडिया के द्वारा मुझे सूचना दिया गया था कि एक कोयला गाड़ी है जो रायगढ़ से रायपुर के लिए रवाना हुआ है, यहाँ कोई हरेठी गला कुटरा बोर्ड के पास खड़ा हुआ है गिराने के चक्कर में, तो आप लोग आ जाए कह के मेरे को सूचना दिया गया था। मैं मौका में था, परसदा में, ग्राम परसदा में, तो ग्राम परसदा में था और मौका जांच कर रहा था, तो मेरे पास अभी समय नहीं है बोला। उसके बाद उनके द्वारा बहुत देर तक इंतज़ार किया गया, वो मीडिया वाले जो थे वो खड़े हुए थे वहाँ और रोक के रखे हुए थे गाड़ी वाले को, और उन लोग के बीच में क्या हुआ है उसका?